हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज एट द वे टू सक्सेस। आज की क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑफ मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनमें से क्वेश्चंस बनेंगे। तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर है, इंडिया हैज परमिटेड विच स्टेट टू ड्रोन्स फॉर एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ COVID-19 वैक्सीन। अब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर ड्रोन को उड़ने के लिए अनुमति दे दी गई है, और यहां पर ड्रोन से क्या काम करवाया जा रहा है? यहां पर ड्रोन की हेल्प ली जा रही है COVID-19 के जो इंजेक्शन हैं उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने के लिए। तो ऐसी कौन सा राज्य, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर ड्रोन को उड़ाने के लिए अनुमति दे दी गई है? क्योंकि पहले ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पर इस चीज को अनुमति दे दी गई है। तो उसमें कौन सा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ये हमारा बना है तेलंगाना। तेलंगाना ने मंजूरी दी है ड्रोन को उड़ाने के लिए, COVID-19 के इंजेक्शन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट, IRDAI हैज डायरेक्टेड इंश्योर्स टू सेटल कोविड रिलेटेड कैशलेस क्लेम्स विद इन हाउ मच टाइम। तो यहाँ पर IRDAI ने एक टाइम लिमिट दे दिया है जहाँ पर कैशलेस दावों से संबंधित जो भी मामले होंगे उनको निपटाने के लिए सभी बीमा कंपनियों को एक निर्देश जारी कर दिया है कि आपने कैशलेस दावे जितने भी हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स करने, एक पर्टिकुलर टाइम पर ठीक कर देने हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्योंकि जितनी भी बीमा कंपनीज आती हैं वो सारी IRDAI के अंडर आती है, और उनको सभी बीमा कंपनीज जो हैं उनको इनकी आदेश मानने पड़ते हैं। तो इन्होंने जो पर्टिकुलर टाइम दिया है वो कितना हो सकता है? 60 मिनट्स, 90, 100 और कितना? तो यहाँ पर जो IRDAI है उसने समय दिया है 60 मिनट का, 60 मिनट्स का टाइम दिया है कैशलेस दावों को निपटाने के लिए। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट वर्क प्लेसेस फॉर 2021 बाय लिंक्डइन। अब लिंक्डइन ने वर्क प्लेसेस की एक लिस्ट जारी की है 2021 की, और जिसमें उसने टॉप पर कौन सी कंपनी को रखा है? इंफोसिस, TCS, HCL और एप्पल। तो लिंक्डइन ने टॉप पर रखा है TCS को। TCS लिंक्डइन के व्यू से 2021 की नंबर वन कंपनी है वर्क प्लेसेस को लेकर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। अभी जिनको, जो वित्त सचिव हमारे अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने कार्यभार संभाला है, वो कौन है? नीरज पांडे, TV सोमंथन, राजेश अग्रवाल या सुधीर शर्मा। तो अब हमारे नए जो सचिव बने हैं, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, वो बने हैं, तो वो बने हैं हमारे TV सोमंथन जी। जी हाँ, TV सोमंथन जी ने वित्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 1st of May, 8th May, 4th May और 5 May। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1st of May को। जी हाँ, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मई 4, 1886, शिकागो, अमेरिका में एक जगह है शिकागो, वहां से इसकी, इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच स्टेट टू अपॉइंट ऑक्सीजन नर्सेज टू कर्व वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन एट हॉस्पिटल। किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी ना हो उस चीज को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।
तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की गई है, ताकि जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की बर्बादी हो रही है, जो आज के टाइम पे ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मेन मुद्दा बना हुआ है, कोविड के टाइम पर सबको ही जरूरत है ऑक्सीजन की, जितने भी पेशेंट्स हैं कोविड पेशेंट्स हैं, तो उसके लिए सभी अस्पताल महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स इक्वेशंस ऑफ बिग बास्केट अवार्ड 9,500 करोड़। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बिग बास्केट के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, 9,500 करोड़ की है जो, तो किसे दी है? टाटा ग्रुप्स, रिलायंस ग्रुप, अडानी और आदित्य बिरला ग्रुप। तो ये किसे दी है? ये दी है टाटा ग्रुप को। जी हाँ, ये मिली है टाटा ग्रुप को। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑटोमोबाइल कंपनी अपॉइंटेड मार्टिन उलरिक एज द न्यू ग्लोबल डिजाइन हेड। अब मार्टिन उलरिक को कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने ग्लोबल डिजाइन हेड नियुक्त किया है? हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स और मारुति सुजुकी। तो इसे नियुक्त किया है टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट है, विच बैंक्स बोर्ड अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज एमडी एंड सीईओ। किस बैंक के बोर्ड ने अमिताभ चौधरी की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो जो हमारे अमिताभ चौधरी है वो कौन से बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं? आईसीआई बैंक के, एचडीएफसी, इंडसलैंड और एक्सिस। तो कौन से बैंक के बने हैं जो अमित चौधरी जी हैं ये नियुक्त हुए हैं? एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ ये हुए हैं, एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट हमारे पास है, एक्साइड अपॉइंटमेंट सुबीर चक्रवर्ती एज इट्स न्यू एमडी सीईओ होम ही सक्सेडेड। निर्वासित ने सुबीर चक्रवर्ती को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, जिसे उन्होंने सफल बनाया है। तो सुबीर चक्रवर्ती जी ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, वो कौन है? तो आप इसका आंसर दीजिए, गौतम चटर्जी, शरद गोकलानी, मातम विकिन राव या जयदेव भटनागर। तो ये जो बने हैं, इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, वो बने हैं गौतम चटर्जी। विच ऑर्गेनाइजेशंस वाइस प्रेसिडेंट हैज हेल्ड मोदी जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोना। अब ऐसा कौन सा संगठन के उपाध्यक्ष ने मोदी जी को कोरोना के लिए जिम्मेदार माना है? डीआरडीओ, आईएमए, इसरो और आईसीएमआर। तो ये आईएमए के उपाध्यक्ष ने मोदी जी को कोरोना के लिए जिम्मेदार माना है, जो कि बिल्कुल ठीक माना है। जितना भी हुआ है कोरोना जो फैला है, वो इन्हीं की वजह से ही फैला है, कुछ करते तो है नहीं। कुछ करो मोदी जी, बच्चे भी नौकरी के लिए ऐसे ही बैठे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर ध्यान सिर्फ इलेक्शंस पे है, तो क्या कहना। तो आईएमए के उपाध्यक्ष ने मोदी जी को ही कोरोना के लिए जिम्मेदार माना है। हु हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो वो किसने लॉन्च किया है? एनसीडब्ल्यू, डब्ल्यूसीडी, एमएचए, एमओएचएफडब्ल्यू। तो ये जारी किया है एनसीडब्ल्यू ने फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकती है, मदद ले सकती है वहां से। नेक्स्ट हमारे पास है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ ब्रांड फाइनेंस विच इज द 10th मोस्ट वैल्यूएबल एंड थर्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। ब्रांड विद की रिपोर्ट के अनुसार 10वां सबसे मूल्यवान और तीसरे सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है, ये कौन सा है? उसके बारे में आप आंसर दीजिए कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा हो सकता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, टाटा
AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीवन बीमा निगम, तो जिसने दसवां जो कि दसवां सबसे मूल्यवान और तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है वो बना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जी हाँ, वो दसवां सबसे मूल्यवान और तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बीमा ब्रांड बन गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड हाउ मच मिलियंस टन्स ऑफ मस्टर्ड प्रोडक्शन बाय 2025 टू 2026। सरकार ने 2025 से लेकर 2026 तक कितने मिलियन टन सरसों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 18, 17, 20 या 15? तो सरकार ने जो रखा है वो रखा है 17। 17 मिलियन टन सरसों का उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2025 से 2026 तक। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली हाउ मच अमाउंट वॉज प्रोवाइडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया टू डील विद कोविड-19 पैनेडेमिक। हाल ही में कोविड-19 महामारी को निपटाने के लिए और सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को कितनी राशि दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इतना फंड आने के बाद भी पेशेंट्स जितने भी हैं, सबने देखा ही है, मीडिया तो हमारी कुछ दिखाएगी नहीं, लेकिन सोशल नेटवर्क पे आप देखिए कितने केसेस आ रहे हैं और कैसे लोग परेशान हैं। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पैसे वालों को मिल रहे हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितनी राशि प्रदान की है? तो वो की है 1.5 बिलियन। कोविड से बचने के लिए उन्होंने इतना पैसों की राशि प्रदान की है। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज हेड ऑफ व्हाट्सएप पे? और व्हाट्सएप पे के भारत प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत प्रमुख के रूप में व्हाट्सएप पे के नियुक्त किसे किया है? मनीष महात्मे, दिनेश दीक्षित, विकास सिंह और राकेश शर्मा। तो ये जो भारत प्रमुख के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है मनीष महात्मे। नेक्स्ट हमारे पास है, रिसेंटली फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पास्ड अवे नेम है। हाल ही में जिस अटॉर्नी जनरल का निधन हुआ है उनका नाम क्या है? सॉली सौरभ जी, मिल्टन बनर्जी, के वेणुगोपाल और मुकुल रोहतगी। तो जो अब भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम है सॉली सौरभ जी। नेक्स्ट, हु हैज सक्सीडेड राहुल एज बजाज ऑटो चेयरमैन? बजाज ऑटो के जो अध्यक्ष के रूप में राहुल के जगह पर किसे रखा गया है, नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आनंद बजाज, नीरज बजाज, अरुण बजाज और सुधीर बजाज। तो बजाज ऑटो के जो अध्यक्ष थे राहुल थे, उनकी जगह पर जिन्होंने इनका कार्यभार संभाला है वो है नीरज बजाज। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट इन अप्रैल 2021 हाइक द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ टू रुपीज 51,000 फॉर द बेनिफिशरीज ऑफ आशीर्वाद स्कीम। अब जो ये स्कीम है आशीर्वाद, अप्रैल 2021 में वित्तीय सहायता की वृद्धि की आशीर्वाद योजना के लाभार्थियों के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे उनको? 51,000। तो ये स्कीम कहाँ पर आई है, कौन से स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो ये स्कीम जिसने जहाँ पर ये स्कीम आई है वो है पंजाब। पंजाब ने इस स्कीम के तहत जो ये हम आशीर्वाद योजना के तहत के जो लाभार्थी हैं उनको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट दंतक कॉमेमोरेटेड इट्स डायमंड जुबली बिल्ट इन विच कंट्री? तो जो सीमा सड़क संगठन है BRO ने अपनी सबसे पुरानी परियोजना में से एक दंतक ने अपनी डायमंड जुबली किस देश में मनाई है? पाकिस्तान में, म्यांमार में, श्रीलंका में और भूटान में। तो उन्होंने ये अपनी जो
तो इन्होंने सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपनी जो डायमंड जुबली है वो मनाई है भूटान में। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेंटली नासा अपोलो 11th मिशन एस्ट्रोनॉट पास्ट अवे नेम हिम। हाल ही में नासा अपोलो 11 मिशन अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो हाल ही में जिनका निधन हुआ है 11th मिशन पे अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? माइकल कॉलिंस, जैक राइडर, शोन माइकल्स और जॉन स्टीव। तो जिनकी डेथ हुई है हाल ही में उनका नाम था माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनकी नासा अपोलो 11 मिशन में हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ कोटेक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कोटेक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एक नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। तो अब जो उनके एमडी हैं उन वो कौन बने हैं? सुप्रेश सिंह जी मुरलीधर, सुरेश अग्रवाल या महेश बाला सुब्रमण्यम। तो ये बने हैं महेश बाला सुब्रमण्यम, जो हैं वो कोटेक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी बन गए हैं और उन्होंने अपना कारोबार जो है वो संभाल लिया है। नेक्स्ट है यूएस आर्मी एलईडी मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 लॉन्च्ड इन विच कंट्री। अमेरिका सेना के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू किया गया है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, अल्बानिया और इथोपिया। तो ये शुरू किया है अल्बानिया में। अल्बानिया में शुरू है डिफेंडर यूरोप 2021। नेक्स्ट है इंडियन नेवी अनवील्ड विच ऑपरेशन फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो इंडिया लाई जा रही है या एक जगह से दूसरे स्टेट में पहुंचाई जा रही है, उसके लिए कौन सा है? ओपी सेट, रक्षक, ओपी रक्षक, ओपी सेतु रक्षक या ओपी समुद्र सेतु। तो ये आई है ओपी समुद्र सेतु 2। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 मई, 3 मई, 4 मई या 12 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी मेंशन दैट द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्थ ₹-lakh crore इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कितने का लक्ष्य रखा है? 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़। तो ये जो टारगेट है उन्होंने रखा है 15 लाख करोड़ का टारगेट रखा है सड़क निर्माण बनाने के लिए, जो सड़कें बनाने के लिए उनके लिए ये अमाउंट फिक्स की गई है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज नेक्स्ट आरबीआई डिप्टी गवर्नर। सरकार ने अगले आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में जिन्हें नियुक्त किया है वो कौन है? नंदनी सेन, सुधीर मिश्रा, रविशंकर या TN मनोहरन। तो आरबीआई के जो न्यू डिप्टी कमिश्नर है, जो न्यू डिप्टी गवर्नर है जो आने वाले हैं, जिन्होंने वो कार्यभार संभाल लिया है, वो हैं रविशंकर जी। रविशंकर जी ने आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।